गुड मॉर्निंग दोस्तों, अतुल गोयल मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में कार्यरत हैं। तो नेक्स्ट लास्ट टाइम आपने मैट्रिक्स से गुणन संबंधित कुछ गुणधर्मों को देखा था। मैट्रिक्स के गुणन संबंधित सभी नियमों को आपने अच्छे से देखा। गुणन करना आई थिंक आप सीख गए होंगे, आपने घर पर कल प्रैक्टिस की होंगी। आज आपको मैट्रिक्स से संबंधित अन्य गुणधर्मों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से देखें। सबसे पहला गुणधर्म है गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। दोस्तों, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह, गुणन को मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, प्रतिलोमी इनवर्स होता है मैट्रिक्स। इस प्रकार से आपको इस तरह से इंग्लिश में समझ सकते हो आप, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। दोस्तों प्यार से समझे, ए एवं बी दो मैट्रिक्स आपके सामने होंगी। ए एवं बी दो मैट्रिक्स आपके सामने होंगी, इस प्रकार होंगी कि उनका मल्टीप्लाई करें और हमें प्राप्त हो जाए आई, उसी कोटि की इकाई मैट्रिक्स। देन हम दोनों को परस्पर एक दूसरे का गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहते हैं। तो इस प्रकार से गुणन प्रतिलोमी आव्यूह होते हैं। यदि दो मैट्रिक्स आपको इस प्रकार से मिल जाएं कि उनका मल्टीप्लाई मिल जाए, देखो हम एग्जांपल आपके लास्ट टाइम, अगली बार लेंगे, आपको नेक्स्ट टाइम लेंगे एग्जांपल। आपके एक बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल हैं, ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स इस प्रकार से ली जाएं कि उनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाए, इकाई मैट्रिक्स। देन हम उन दोनों मैट्रिक्सों को परस्पर गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहते हैं, दोनों ही गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाती हैं। अगला टॉपिक है इसमें शून्य के भाजक। शून्य के भाजक, शून्य के भाजक क्या है? दोस्तों वही दो मैट्रिक्स आपको यहां पर भी लेनी पड़ेंगी और इस प्रकार से लेनी पड़ेंगी। दो मैट्रिक्स ए एवं बी इस प्रकार से लेनी पड़ेंगी कि ए बी का मान क्या मिल जाए, ओ। ओ मतलब जीरो नहीं है, ये क्या कहलाता है मैट्रिक्सों में, ओ। ओ का मतलब आप जानते हैं शून्य मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसी कोटि की शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो दोनों मैट्रिक्सों को शून्य के भाजक कहा जाता है। दोनों मैट्रिक्सों को शून्य के भाजक कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको एक एक नंबर के सवाल है, जो हमने लास्ट एग्जाम आपका ट्वेल्थ का देखा है बोर्ड वाला, उसमें एक एक नंबर की कई बार परिभाषाएं आ जाती हैं कि शून्य के भाजक से आप क्या समझते हो। तो इस प्रकार से डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है गुणन प्रतिलोमी आव्यूह से आप क्या समझते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ये परिभाषा देनी पड़ेगी। परिभाषा दोनों की आपके समझ में आ गई, इसकी परिभाषा है, राइट डाउन कर सकते हो आप, दो मैट्रिक्सों को इस प्रकार से लिया जाए कि उनका गुणन इकाई मैट्रिक्स प्रदर्शित करे। ये मैथमेटिकल रूप हो गया, तो उनको कहते हैं परस्पर गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। इसकी परिभाषा राइट डाउन कीजिए कि दो मैट्रिक्स इस प्रकार से ली जाए कि उनका गुणन करने के पश्चात शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो तो दोनों मैट्रिक्सों को शून्य के भाजक कहा जाता है। एग्जाम्पल्स इनके अगर लेना है तो आप नेक्स्ट टाइम जो आपकी बुक्स हैं उसमें से आपके पास एग्जाम्पल होंगे, उनको मैं वहीं पर आपको क्लियर कर दूंगा, आपको कभी एग्जाम्पल जरूरत पड़े तो। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर। एक्सरसाइज 3.2 आपकी चल रही है, आप अच्छे से उसको देख रहे हो, मल्टीप्लाई वगैरह करना आपको अच्छे से आता है ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी आप थोड़ा स्पीड के साथ मैं यहाँ पर चलने की कोशिश अब आगे करूँगा, क्योंकि मुझे कोर्स भी आपका काफ़ी हद तक कवर करना है। एग्जाम्पल नंबर आपके सामने आ गया है 5, इसको ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल 5 को। ए बराबर दी हुई है 2, 4, -1 3, 2, 5 और बी बराबर दी हुई है इसी तरह से 2, 1, 0 -1, 3, 4 इस प्रकार से। देन हमें निकालना है 2a-3b का मान।
ये एग्जांपल पांच है क्वेश्चन इस प्रकार से कि ए ये है, बी इस प्रकार से है, देन हमें 2a-3b का मान कैलकुलेट करके बताना है कि क्या प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर बीच में माइनस है, तो इसका मतलब माइनस जो संक्रिया थी अर्थात व्यवकलन जो संक्रिया थी उसके लिए मैट्रिक्सों की कोटियाँ समान होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2x3 है, ये भी क्या है 2x3, इसका मतलब व्यवकलन समान कोटियों में ही होता है और व्यवकलन संभव होगा। तो अब आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक 2 है, 2 लिख दिया, ए है, देखिए 2a है ना, इसमें 2 लिख दिया, फिर a का मान रख दिया, a का मान क्या है 2, 4, -1, 3, 2, 5, -3b, -3, v का मान क्या है रख दीजिए 2, 1, 0, -1, 3, 4, ये दोनों वैल्यूज आपने रख दी। रखने के बाद अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो, 2 का मल्टीप्लाई जो होगा आपको पहले ही बता दिया है, ये एक अदिश राशि होती है जिसका मैट्रिक्स के अंतर्गत अगर गुणा किया जाए तो सभी अवयवों से किया जाता है। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 2 का 4 से करेंगे 8, 2 का -1 से करेंगे -2, 2 का 3 से करेंगे 6, 2 का 2 से करेंगे 4, 2 का 5 से करेंगे 10। इस प्रकार से आपका ये पहला सिस्टम प्राप्त हुआ। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे भी -3 का अगर इनसे गुणा करें तो भी चल जाएगा, और आप यदि 3 का करें तो भी चल जाएगा, आपके ऊपर है। आप माइनस को यहाँ रखना चाहें तो यहाँ रख लीजिए, इसका मतलब आप किसका गुणा करने वाले हो फ्रेंड्स, अब 3 का करिए, 3 × 6, 3 × 3, 0, -3, 3 × 9, 3 × 12, तो इस प्रकार से आपने 3 का गुणा सबसे कर दिया। दोस्तों अब हम इनका व्यवकलन करने वाले हैं, व्यवकलन देखेंगे आप लोग, और आप पहले भी देख चुके हो, बड़ा आसान होता है। कैसे, 4, 6 लेकिन किसका, माइनस का, सॉल्व करेंगे क्या आएगा -2, 8 - 3 मतलब क्या हुआ 5, -2 - 0 मतलब क्या हुआ -2, 6 - -+3 = 9, 4 - 9 = -5, 10 - 12 = -2, डेट्स आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि 2a-3b हमें प्राप्त करना था, अब हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। साथ साथ दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि इनको राइट डाउन जरूर कीजिए, यहीं से बार बार सीखने की कोशिश करोगे तो आपको बार बार चैनल पर जाना पड़ेगा, आपकी आंखों में समस्या हो सकती है। उस समस्या से निराकरण यही है कि आप एक कॉपी जरूर अपने साथ रखें और सब कुछ राइट डाउन करते जाएं। एग्जांपल नंबर 6 देखें, लिखा हुआ है यदि v = -2, 2, 1, 0, 3, 1, 4, ये b का मान आपके सामने है, c का मान भी देखें, यही होगा 2, 0, -2, 7, 1, 6, 7, 1, 6, ये c का वैल्यू है। देन आव्यूह a ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, आव्यूह ए हमें ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, आव्यूह ए ज्ञात कीजिए, जहां संबंध क्या है, संबंध देखे, जहां 2a-3b + 5c = O। दोस्तों ये जीरो नहीं है, ये क्या है, ओ। मैट्रिक्सों से संबंधित जब भी कोई संक्रियाएं करते हैं तो हमें शून्य नहीं मिलता, क्या मिलता है, शून्य मैट्रिक्स ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए, हमें यहाँ पर b का मान है, यहाँ पर c का मान है, लेकिन हमें a अर्थात मैट्रिक्स a का मान ज्ञात करना है।
तो दोस्तों देखें आप सभी कैसे ज्ञात करेंगे, इक्वेशन आपके सामने है उसका सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे। 2a को आप यहाँ पर रखिए क्योंकि a हमें ज्ञात करना है। o के पास ले जाइए 3b को और माइनस 5c को। माइनस 3b जब इधर गया प्लस का 3b, 5c जब इधर गया तो माइनस का 5c, बिल्कुल ईजी है। 2a को चलने दीजिए आप लोग ऐसे ही। O का यदि किसी से भी किसी से भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। शून्य मैट्रिक्स का कोई योगदान नहीं होता है कैलकुलेशन में, बेशक आप इसको लिख सकते हो। इसको फिलहाल आप ऐसा करते O को ख़त्म करते हुए एक स्टेप और बढ़ाया, सॉरी 3V एक स्टेप और बढ़ाया 3V माइनस 5C, जिसमें मैं O को खा गया। खाने का मतलब ये हुआ O का कोई उपयोग नहीं है इसलिए O को खा गया। स्टेप बढ़ाओगे सही रहेगा आपके लिए, सिस्टम से काम कीजिए। 3B का मान रख दीजिए जो आपके पास है, माइनस 2 2 0 3 1 4 इस प्रकार से। माइनस का 5, C का मान भी रख दीजिए। C का मान क्या है, 2 0 माइनस 2 7 1 6, ये आपका हो गया C का मान। अभी आप 2A को ऐसे ही चलने दीजिए। अब आपका काम जैसे आपने पहले देखा बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही, 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में हो रहा है सभी अवयवों से होगा। माइनस का 6, 3 दूनी 6 0, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आपका हो गया आगे वाला सिस्टम। अब आप पीछे से देखें इसको, माइनस को एज इट इज लिखिए। अब आप 5 का मल्टीप्लाई करना है सबसे, 5 दूनी 10 ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 10, 7 5 35, 5 एकम 5 और 5 6 30, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि मैंने किस तरह से सॉल्यूशन किया है। अभी आपके पास कोई काम अभी आगे यहाँ से दे, यहाँ से तो नहीं लेकिन उधर सॉल्व कीजिए इसको। माइनस 6 माइनस 10, इसका मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, माइनस का 16। 6 माइनस 0 ये हुआ 6, 0 माइनस माइनस 10 इसका मतलब ये हुआ प्लस का 10, 9 माइनस 35 इसका मतलब ये हुआ 26, किसका, माइनस का। 3 माइनस 5 ये हुआ माइनस का 2, 12 माइनस 30 इसका मतलब ये हुआ माइनस का 18। तो इस प्रकार से आपने 2a का मान निकाला है, अभी किसका मान निकाला है, 2a का। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसको आगे ले रहा हूँ क्योंकि नीचे विजिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, आपको निकालना है a का मान। तो a का मान निकालोगे तो 2 का एक तरह से यहाँ पर लाकर 1 बटे 2 कर दोगे, तो कर रहा हूँ मैं ये काम, 1 बटे 2 यहाँ लगा दिया उस 2 को आगे लाकर, माइनस का 16, 6 और पीछे है 10, उसके बाद माइनस का 26, आगे है माइनस का 2, यहाँ है माइनस का 18। अब दोस्तों आपको पता है क्या करना है, एक तरह से 2 का सभी अवयवों में भाग लगाना है, तो लगा दीजिए दोस्तों भाग। ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया माइनस का 13, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 9। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको a का मान प्राप्त हो चुका है सिस्टमेटिक। तो आप जो है इन सब चीज़ों को बिल्कुल राइट डाउन करते चले अपने साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी समस्याएं आप इस नंबर पर कॉल कीजिए या अपने जिस भी संस्था में कार्यरत हो वहाँ उस संस्था से बात कीजिए। आपको कोई भी समस्या है ज़रूर आप सबसे शेयर कीजिए और तभी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। अब एग्जांपल 6 के बाद बुक में देखें आप अपनी में एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो इस प्रकार से है कि ए है एक मैट्रिक्स
इसको देखें क्या है, 4 2 माइनस का 5 103, ये आपकी मैट्रिक्स ए है। साथ में मैट्रिक्स बी भी दी हुई है, उसको देखें 6 माइनस 7 0 6 माइनस 7 0 -125 -125 नेक्स्ट 103 103। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स आपके सामने हो तो ए बी तथा बी ए या दोनों जिनका भी अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। क्या कहा है उसने, ए बी या बी ए या दोनों का किसी का भी अस्तित्व हो, आप तो सिस्टमेटिक रूप से सबसे पहले ए बी ज्ञात करने की कोशिश करें। उससे भी पहले आप ये निर्धारित कर लें कि ये संभव है या नहीं, क्योंकि मैट्रिक्सों का गुणन एक स्थिति में संभव होता है, ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या के समान होना चाहिए। ए में कोटि देखें आप 2 क्रॉस 3, बी में कोटि देखें आप 3 क्रॉस 3। मुझे ये पॉसिबल लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हो ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या के बिल्कुल एज इट इज अर्थात समान है, तो अपन ए बी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। आप लिखोगे कैसे, ए बी संभव है क्योंकि, लिख दोगे एक लाइन, क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, ये लाइन लिख दोगे आप, ए बी संभव है क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या दोनों क्या है, समान। जब ये संभव है तो अब हम इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, ज्ञात करते हैं। ए का मान रखिए क्या है, 4 2 माइनस 5, बी का मान रख दीजिए 103। अब बी का मान 6 माइनस 7 0 -125 103, ये मैंने बी का मान रख दिया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त मैट्रिक्स के बारे में आप पहले से ही सोच सकते हैं, ये 2 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3, 3 3 समान हुआ तभी ये संभव हुआ। इसको हटाकर शेष यहाँ से 2 और यहाँ से 3, इसका मतलब बनने वाली मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 होगी। बनने वाली मैट्रिक्स रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है, परिणामी जो मैट्रिक्स है, उसकी कोटि क्या होगी, 2 क्रॉस 3। इसका मतलब इसको उसी हिसाब से आप आगे लेकर जाइए, आसान होगा आपके लिए। 4 का 2 का -5 का मल्टीप्लाई क्रम से इनसे, बीच में प्लस या माइनस जो भी आएगा, तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करें, 6 चौक 24 कोष्ठक लगा लीजिए, -2 -5 ये सॉल्यूशन हुआ। अगला सॉल्यूशन देखें, इसी पंक्ति का इस स्तंभ से -7 चौक 28 2 का 2 से +4 ये आपका हो गया 0, आपने सॉल्यूशन किया। अब इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 4 का 0 से 0 2 का 5 से 10 -5 का 3 से -15 तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन। अब आपने पहली पंक्ति से सभी स्तंभों का गुणा कर दिया, अब आप यही काम कीजिए दूसरी पंक्ति से, नीचे पूरे पूरे एक और पंक्ति बन जाएगी। 103 का अब 6 माइनस 1, पहली दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से किया, 6 एकम 6 ये 0 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, ऐसे ही अब इसका इससे -7 ये हो गया 0, ये हो गया फिर से 0। ओके, अब इसी पंक्ति का इससे कीजिए तीसरे स्तंभ से, ये हो गया 0, ये हो गया फिर से 0 और लास्ट में हो गया 3 3 9। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका सॉल्यूशन तैयार है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 में से 7 गया तो आएगा 17, -28 + 4 सॉल्व करेंगे तो आएगा -24, 10 -15 सॉल्व करेंगे तो आएगा -5।
नीचे देखें 6 और 3 9, नीचे देखें माइनस का 7, उधर देखें लास्ट में 9। तो इस प्रकार से ए बी संभव भी हुआ, साथ में ए बी का मान क्या आ गया दिस। अब आपको इसी क्वेश्चन में ये भी बताना है कि बी ए संभव हो तो बी ए भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर लाइन लिखने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखें। बी ए संभव, मुझे नहीं लग रहा, आप भी देख सकते हो, बी ए संभव नहीं है। बी ए संभव नहीं है क्योंकि क्या बताया था, जो आगे लिखी होगी उसमें स्तंभों की संख्या पीछे वाली में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। आगे वाली में बी में स्तंभों की संख्या आप देख सकते हो, बी में स्तंभों की संख्या दिख रही है आपको 3, बी में स्तंभों की संख्या आपको दिख रही है 3, और ए में पंक्तियों की संख्या आपको दिख रही है 2। बी में स्तंभों की संख्या 3 है और ए में पंक्तियों की संख्या 2 है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते थे पहले ही 3 और 3, जब ये बराबर थी इसलिए आपने आगे बढ़े। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्योंकि बी में पंक्तियों स्तंभों की संख्या जो क्या है, बी में स्तंभों की संख्या क्या है 3, नॉट इक्वल बराबर नहीं है ए में पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या जो क्या है 2। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर ही नहीं है तो बी ए संभव नहीं होगा। जब संभव ही कोई चीज़ नहीं है तो बी ए अब हम ज्ञात भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपका फिनिश होता है और आई थिंक आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आप एग्जाम्पल नंबर 8 को अपनी बुक से देखने की कोशिश करें, थोड़ा समझें। पहले से ही आपके सामने, आपके जब ये पढ़ रहे हो ऑनलाइन क्लास है तो आपके सामने आपकी बुक भी होनी चाहिए, एक कॉपी भी होनी चाहिए, एक पेन भी होना चाहिए, बॉल पेन, और आप उसको राइट डाउन भी करते रहें और समझते भी रहें, बेटर होगा आपके लिए आगे सीखना। इमेजन यही करें हमेशा कि डिस्टेंस भले ही हम दोनों के, हम सब के बीच में है, लेकिन समझना मुश्किल ना हो आप लोगों के लिए। लिखा हुआ है एग्जाम्पल 8 में एक्स के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए 1x1, 1 3 2, 2 5 1, 15 3 2, 15 3 2, इस प्रकार से दिया हुआ है सिस्टम। समझने की कोशिश आप करते रहें साथ साथ। बराबर दिया हुआ है दोस्तों ओ। क्वेश्चन ये कहा गया है एक्स के किन मानों के लिए यह इक्वेशन संतुष्ट होती है। तो आपको इस इक्वेशन को संतुष्ट अर्थात सॉल्व करना है। जहां पर ओ दे रखी है 1x1 की शून्य मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो 1x1 की आएगी। फिर भी अपन अपने लिए देखते हैं कि बराबर के उधर साइड जब 1x1 की मैट्रिक्स है तो बराबर के इधर साइड भी बनने वाला जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो भी क्या होगी 1x1। आप चाहें पहले इनकी कोटियाँ लिखें, इसकी कोटी आप देख सकते हो 1x3, आपको विजिबल होगा आई थिंक, ये एक पंक्ति है 3 स्तंभ है 1x3, इसकी कोटी इजीली दिख रही है 3x3, और इसकी कोटी भी आपको दिख रही है 3x1। तो इस प्रकार से सबकी कोटियां मैंने लिखी, आपने भी देखा 1x3 3x3 3x1। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, ये सबके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी का भी आप पहले कर लें बाद में
जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका एन अदर मैट्रिक्स से गुणा कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, पहली मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों मैट्रिक्सों का आपस में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। दोस्तों पहले ये देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है, इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको भी देख लें कि ये ख़त्म होता है तो यहाँ से बचता है तीन, यहाँ से बचता है एक। तो इस प्रकार से रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी 3x1 प्राप्त होगी। 3x1 की मैट्रिक्स ऐसी होती है, आप गौर से देखें। आपके पास नियम क्या है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कीजिए, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, आराम से। इसका मतलब एक अवयव आएगा सीधा सीधा, 1 का 1 से 1, 3 का 2 से प्लस का 6, 2 का x से 2x, इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ। अब अगला अवयव आएगा अगली पंक्ति का पहले स्तंभ से ही गुणा करके, 2 एकम 2, 5 दुनी 10 प्लस का 1 xx। अब तीसरी पंक्ति का वही पहले स्तंभ से तीसरा अवयव आ जाएगा यहाँ पर एक तरह से, 15 एकम 15, 3 दुनी 6 प्लस का 2x, ये आपने सॉल्व किया। बराबर में उधर क्या है, ओ, एक तरह से इसकी कोटि क्या चल रही है, ये खत्म ये खत्म, 3x1। अच्छा ओ की कोटि भी आप लिख सकते हो, बाद में लिख लेंगे, बाद में यूज कर लेंगे। अभी इसको आप और सॉल्व कीजिए, 1x1। कोटियां मैं साथ साथ लेकर इसलिए चल रहा हूँ जिससे बेटर आपके आपके समझ में आए। 6 एंड 1 ऐड करेंगे 7 प्लस का 2x, पहला अवयव, एक कॉलम है केवल, 10 और 2 12 प्लस का x, 15 और 6 21 प्लस का 2x, ये आपकी हो गई 3x1। बराबर में कौन लिखी हुई है, ओ। दोस्तों अब रह गया दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करना अब आगे तो बेकार है, हो ही नहीं सकता सॉल्व। तो अब आपके पास केवल रह गई है ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पहले ये चेक कीजिए, बिल्कुल पॉसिबल है। इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 3 है और इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या है, 3, दोनों समान है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई संभव है, गुणन संभव है। गुणन संभव होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की कोटि आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ से एक बचा और यहाँ से एक बचा, इसका मतलब 1x1। 1x1 का मतलब ये होता है एक मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल एक ही अवयव होगा, जिसमें केवल क्या होगा, एक ही अवयव होगा। वो अवयव आ रहा है आपके सामने, एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ में, तो आराम से पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से कर दीजिए और जोड़ते जाइए, तो वो एक ही अवयव रहेगा। एक का गुणा इससे करेंगे 7 प्लस 2x हुआ, x का गुणा इससे होगा 12x प्लस का x² हुआ, एक का गुणा इससे हुआ 21 प्लस का 2x हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों लग तो ऐसा रहा है जिसके कोटि 1x1 नहीं हो, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही अवयव है। बीच में देखो प्लस लगे हुए हैं या माइनस लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही अवयव है। तो इसकी कोटि क्या हुई दोस्तों, 1x1। बराबर में क्या लेकर चलता रहूं, ओ मतलब इकाई, सॉरी, एक कोटि की शून्य मैट्रिक्स, 1x1 कोटि की शून्य मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो आप, सबसे पहले जो x² का पद है उसको आगे रख लीजिए, x के पद है उनको जोड़ते हुए साथ में रखिए, 12x 2x 14x और 2x 16x, साथ में कॉन्स्टेंट्स को 7 हुआ 21 हुआ, 21 और 7 क्या हुआ दोस्तों, 28। तो ये आपका यहाँ पर एक अवयव 1x1 की मैट्रिक्स में प्राप्त हुआ है। अब आप O को शून्य मैट्रिक्स बना दीजिए, ये बना दिया O को शून्य मैट्रिक्स जिसकी कोटि क्या है, 1x1। बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, समझना, ये आपने सॉल्व करके ऐसा लिख दिया जो कि एक ही अवयव है, 1x1 की कोटि है, O आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, शून्य मैट्रिक्स है जो किस कोटि की है, 1x1 कोटि की। तो ईजिली अब हम इनकी क्या कर सकते हैं, तुलना, क्या कर सकते हैं दोस्तों, तुलना। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सों की तुलना करेंगे,
तुलना क्या है, एक ही अवयव यहाँ पर है और एक ही अवयव वहाँ पर है, अर्थात एक अवयव वहाँ पर क्या है, जीरो। आराम से इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, जीरो की। आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस का 28 किसके बराबर कर दूं मैं, जीरो के बराबर। एक ही अवयव यहाँ पर है, एक ही अवयव वहाँ पर है, उसको हमने किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर। सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, बिकॉज हमें ज्ञात करना है x के किन मानों के लिए, तो x के मान तो निकालने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 16 के ऐसे दो खंड जो 28 मिल जाए, ऐसे प्राप्त हो जाए तो ऐसे प्राप्त कर लो, और अगर ऐसे प्राप्त नहीं हो सकते आप पे तो एक और विधि है, कौन सी विधि बोलते हैं उसको, श्री धराचार्य विधि। यहाँ लेकिन मेरे पास तो है, मैंने दो खंड 14 और 2 प्राप्त कर लिए और आप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब आप x कॉमन लेते हो, जनरल नियम है आपके पास 2x + 14। अब आप दो गुणनखंड इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हो, बहुत इजी सिस्टम है। आप चाहें इतना काम ना करके आपको डायरेक्ट, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो डायरेक्ट आप दो आंसर आपको मिल गए, -2 या -14। तो इस प्रकार से आपने देखा, बहुत इजी है समझना, उम्मीद यही करता हूँ कि आपके सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल नंबर 8 को देखा। दोबारा से अगर आप इसको देखना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट कर लें। क्वेश्चन इस प्रकार से था, x के किन मानों के लिए दिस बराबर ओ, ओ के बराबर, ओ का जो ओ के बारे में उसने कहा गया था कि ओ जो होता है 1x1 की एक शून्य मैट्रिक्स है, अर्थात 1x1 की शून्य मैट्रिक्स क्या हुई, इस तरह की ही तो होती है, आसानी से आप समझ सकते हो। दोस्तों 3 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई था, तो मैंने आपको बताया था कि चाहे तो इन दोनों का कर लें गुणा साथ में, चाहे इन दोनों का कर लें पहले। तो इस प्रकार से इन दोनों, इन सब की कोटियाँ परिभाषित की गई। इसकी कोटियाँ क्या थी, 1x3, कैसे देखा, एक पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। इसकी कोटि आपने क्या देखी, 3x3, कैसे देखी, इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं, 3x3। इसकी कोटि 3x1 है, कैसे देखा आपने, 1, 2, 3, 3 हॉरिजेंटली एंड 1 हो गई वर्टिकल, तो 3 पंक्तियाँ हो गई और 1 क्या हो गया, पूरा स्तंभ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता ही है, पहले तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं तो आपको वो देखना है। तो वो कैसे देखते हैं कि इस वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या जो क्या थी, 3, और इस वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या जो क्या थी, 3, बिल्कुल बराबर है। दोस्तों अब आप लिख चुके हो आई थिंक, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ करूँ तो आपके समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, बाकी का इसको अब आप समझने की कोशिश करें। ये आपका 3 और 3 बराबर था, तो इनको गायब करके बनने वाली मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, 3x1, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 1 बचा, अर्थात बनने वाली मैट्रिक्स कोटि क्या आएगी, 3x1, अर्थात 3 तो उसमें हो जाएंगी पंक्तियाँ और 1 क्या होगा, स्तंभ। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आया, इनका मल्टीप्लाई आपको आता है, देखो 1, 2, 3, तो इस प्रकार से 3 अवयव हैं, ये प्लस प्लस का मतलब कोई अलग अवयव नहीं है, ये एक ही अवयव हुआ, तो एक अवयव ये, एक अवयव ये, एक अवयव ये, एक स्तंभ हुआ और 3 क्या हुई एक तरह से, पंक्तियाँ, तो 3x1, 3 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ, ये एजिटिव चल रहा है। इसको थोड़ा सा दोस्तों और सॉल्व किया गया था, बराबर में ओ चल ही रहा है। दोस्तों अब मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, इसमें भी हम गुणन संभव करना है, तो कब संभव होगा, जब दिस बराबर दिस, बिल्कुल बराबर है दोनों, इसमें भी 3 स्तंभ और इसमें भी 3 पंक्तियाँ, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो गुणन संभव होगा। दोस्तों यही देख सकते हो आप कि बराबर संभव होने के बाद, गुणन संभव होने के बाद यहाँ से बचता है 1 और यहाँ से बचता है 1, अर्थात रिजल्टेंट, अर्थात परिणामी मैट्रिक्स जो होगी उसकी कोटि क्या होगी, 1x1, तो 1x1 कोटि ही हमें प्राप्त होगी। तो 1x1 कोटि प्राप्त तो हमें हो जाएगी। अब हमें इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से करना है। आपको पता है एक पंक्ति का एक स्तंभ से गुणा करते हैं तो एक ही अवयव मिलता है, एक ही अवयव मिला है, एक का इससे किया, फिर इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, ये सॉल्व करने के बाद लिख दिया यहाँ पर,
बराबर क्या लिख दिया, ओ को भी ले लिया। ओ के बारे में कहा गया था शून्य मैट्रिक्स है जिसकी कोटि क्या है, एक क्रॉस एक, तो मैंने एक क्रॉस एक की शून्य मैट्रिक्स ले ली जिसमें एक अवयव शून्य लिख दिया। क्यों? क्योंकि अब मुझे क्या करनी है, इनकी तुलना, यहाँ भी एक अवयव है, यहाँ भी एक अवयव है, इजीली तुलना हो गई। तुलना करने के बाद सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद दो आंसर मिले, -2 या -14। तो इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम्पल 8 आपके सामने फिनिश होता है। तो मैं मानता हूँ कि आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए और अच्छे से बेटर अपने घर पर समझने की कोशिश कीजिए। नंबर आपके सामने ये लिखा हुआ है, कभी भी इस नंबर पर कॉल कीजिए तो आपको क्या है, आसान होगा कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन प्राप्त करने में। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे लूँगा, तो आप जो है कवर करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।